तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस तरह की रिपब्लिक डे स्टेटस आप कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो सो गाइस, उसके लिए कर देना मेरी वीडियो को एक लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए एडिटिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइस, मैंने यहाँ पे अपनी काइनमास्टर पहले से ही ओपन कर रखा है। तो आप जब काइनमास्टर ओपन किए तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी वीडियो का रेशियो ले लेना है। तो यहाँ से 1:1 रेशियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। रेशियो सेलेक्ट करने के बाद गैलरी से आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो उस बैकग्राउंड की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो उस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने उस बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो आपकी बैकग्राउंड की लेयर पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगी जूम एंड पैन की, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बराबर पे टिक कर देना है और यहाँ से इसे स्क्रीन पे फिट कर देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। जितनी लंबी आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उतनी लंबी इसकी ड्यूरेशन को आप कर लीजिएगा। मिनिमम 40 सेकंड तक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद शुरू पे चले आना है, यहाँ से टिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, लेयर पे टच करना है और ओवरले से आपको एक इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे एक इफेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जस्ट ये सबसे ऊपर आप देख पा रहे ये इफेक्ट रिपब्लिक डे, इस इफेक्ट को यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ। तो इस इफेक्ट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये इफेक्ट मैं ऐड करूँगा। तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके काइनमास्टर पे ये इफेक्ट नहीं है तो आपको यहाँ पे स्लाइड कर आना है। आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिले जाएगी गेट मोर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इस इफेक्ट को यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इस फर्स्ट वाला इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे इफेक्ट ऐड कर लिया है। तो इसे थोड़ा सा आपको बड़ा कर देना है, थोड़ा सा बड़ा करना है इस तरह से। बड़ा करने के बाद ऐसे यहाँ पे सेट कर देना इस तरह से और इसकी ड्यूरेशन को फुल कर देना आपको। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसकी टेम्पलेट पे फिर से क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ से एक इफेक्ट आपको ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक एनिमेशन देना है। इन एनिमेशन देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ड्रॉप, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ये इफेक्ट कितना छा रहा है, ऊपर से डाउन नीचे हो रहा है। तो इस तरफ एक इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगी, उसके बाद टिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसकी लेयर पर फिर से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगी की वाली ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी लेयर को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाना है इस तरह से। आपको जस्ट दिखा देता हूँ, ऐसे बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे टच करने के बाद इसे थोड़ा सा डाउन करना है इसे। उसके बाद इस लेयर को फिर से नीचे से थोड़ा बढ़ाना है और इसे यहाँ पे इस तरह से ऐसे और डाउन करना है, थोड़ा सा और बढ़ाना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा और ऐसे डाउन कर देना है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद फिर आपको लेयर को थोड़ा सा बढ़ा लेना है इस तरह से। जैसा बढ़ाने के बाद फिर आपको क्या करना है, लेयर पे टच करना है और ओवरले पे जाना है और यहाँ से रिपब्लिक डे पे क्लिक करके आप ये फ्लैग वाली इफेक्ट यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। ये वाला इफेक्ट यहाँ पे इसे ऐड करना है फ्रेंड्स। ऐड करने के बाद आपको इसे ओके कर देना। करने के बाद इसे थोड़ा सा स्मॉल कर लेना है। करने के बाद इस कॉर्नर पे नीचे पे सेट करना है, मिडिल पे यहाँ पे इस तरह से आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद इसकी ड्यूरेशन को पहले आपको यहाँ से फुल कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से शुरू पे चले आना है। आने के बाद फ्लैग की टेम्पलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से लेयर को थोड़ा सा स्लाइड करना है, इसे ऐसे जस्ट स्लाइड करना है और इस फ्लैग को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, करके थोड़ा सा ऊपर करना है। फिर यहाँ पर लेयर को स्लाइड करना है, फिर फ्लैग को थोड़ा सा ऊपर करना है और थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। फिर से लेयर को स्लाइड करना है, फिर से फ्लैग को ऊपर करना है, थोड़ा सा और बड़ा करना है, फिर से स्लाइड करना है, फिर से फ्लैग को इस यहाँ पे इस तरह से सेट कर देना है इसे और उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्लाइड कर आना है। आने के बाद देखना है फ्लैग जहाँ पे सेट हो गई है पूरी तरह से, तो वहीं पे इसके लेयर को स्टॉप कर देना है। करने के बाद आपको फिर से लेयर पर टच करना है, ओवर ले पे जाना है और यहाँ से रिपब्लिक डे पे क्लिक करके और इफेक्ट लेना है। तो ये पिजन वाली इफेक्ट आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ये कबूतर वाली इफेक्ट। यहाँ पे क्लिक करके इसे यहाँ से ओके कर देना है और इस इफेक्ट को यहाँ पे इस कॉर्नर पे स्मॉल करके सेट करना है। पहले आपको यहाँ पे इस तरह से सेट कर देना है और इसके ड्यूरेशन को इस तरह से फुल कर लेना है। उसके बाद शुरू पे चले आना है। आने के बाद आपको यहाँ की ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको लेयर को इस तरह से स्लाइड करना है, ऐसे स्लाइड करना है और उसके बाद कबूतर को ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देना, ज़रा सा बड़ा करने का। फिर से ऐसे लेयर को स्लाइड करना है नीचे पे।
कबूतर को फिर से यहाँ थोड़ा सा बढ़ा कर इस तरह से और थोड़ा बड़ा कर लेना है, फिर से ये स्लाइड करना है इसे और कबूतर को मिडिल पे ले आना है, यहाँ पे इस तरह से बड़ा कर देना है इस तरह से। अब फिर से स्लाइड करना है, फिर से कबूतर को थोड़ा स्मॉल करना है, अब फिर से ऊपर ले जाना है, फिर से स्लाइड करना है, फिर से कबूतर को स्मॉल करके ऊपर ले जाना है, फिर से स्लाइड करना है, फिर से कबूतर को यहाँ पर जाकर सेट कर देना कॉर्नर पर, उसके बाद इसे यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद फिर आपको लेयर पर टच करना है और यहाँ पर टेक्स्ट पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है हैप्पी रिपब्लिक डे, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद इसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस तरह से इस कॉर्नर पे यहाँ पे सेट करना है, और सेट करने के बाद आपको एक डबल फॉन्ट लेना है, यहाँ से डबल ए पे क्लिक करने का अच्छा सा फॉन्ट लेना है, तो यहाँ से ये वाला फॉन्ट आपको ले लेना, या जो भी फॉन्ट आप चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो मैं ये वाला फॉन्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, तो इसकी ड्यूरेशन को फुल कर लेना है और उसके बाद फिर से शुरू पे चले आना। आने के बाद आपको क्या करना है, फिर से क्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिपब्लिक डे को पहले आपकी रिपब्लिक डे की लेयर को स्लाइड करना है इस तरह से। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे रिपब्लिक डे की टेक्स्ट को ऐसे बढ़ाना है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। उसके बाद फिर से स्लाइड करना है और फिर से यहाँ पे ले आना है, मिडिल पे लाने के बाद यहाँ से बड़ा कर देना है इस तरह से। फिर से थोड़ा स्लाइड करना है और थोड़ा सा इसे डाउन कर देना है इसे, और यहाँ से फिर ओके कर देना है। उसके बाद फिर आपको लेयर पे टच करना है, ओवरले पे जाना है और यहाँ से और एक इफेक्ट आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये वाला इफेक्ट आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फायरवर्क्स पार्टी, इस इफेक्ट को यहाँ पे आपको ऐड करना है। अगर आपके मोबाइल पे नहीं है तो आपको यहाँ पे स्लाइड कर आना है, गेट मोड पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो ये ग्रीन वाला इफेक्ट, थर्ड वाला इफेक्ट मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपके लेयर पे फिर से क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से एक इफेक्ट आपको, यहाँ से एक इफेक्ट आपको ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से ये पार्टिकल इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। तो फिर जैसे कि आप देख पा रहे, मैंने इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर लिया है, तो इसे यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेना इस तरह से। ऐसे फुल स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये रेड साइड पे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगी ब्लेंडिंग, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे स्क्रीन पे रख लेना है और उसके बाद टेम्पलेट की लेयर पे फिर से क्लिक करना है और इसकी साउंड को यहाँ से म्यूट कर देना आपको, और उसके बाद एंड पे चले आना। आने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट आपको कट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर से लेयर पे टच करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से एक पीएनजी बॉर्डर की इमेज आपको ऐड कर लेना है। उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं इस पीएनजी इमेज को यहाँ पे ऐड कर लिया। करने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, स्क्रीन पर फिट करना है इस तरह से, बढ़ा के इसे स्क्रीन पर फिट कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद इसको ड्यूरेशन को फुल कर देना है इसे। उसके बाद शुरू पर चले आना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो दोस्तों मैं वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो यहाँ पे किस तरह से क्रिएट हुई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी अच्छी इफेक्ट आ रही है देखने में। देखिए कितने अच्छे से यहाँ इफेक्ट आ रहा है, रिपब्लिक डे स्टेटस जा रही है, यहाँ पे देखिए फ्लैश हो रही है। तो इस तरह की स्टेटस आप बना सकते हैं काइन मास्टर की मदद से फ्रेंड्स। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इस पर कोई सॉन्ग अगर ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑडियो ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी ऑडियो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से कोई भी सॉन्ग आप ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं जैसे कोई एक सॉन्ग ऐड करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स ये वाला सॉन्ग मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, आपको यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे साइड पे ये सॉन्ग क्लियर आ चुकी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ से सॉन्ग ऐड करके आप स्टेटस बना सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे एक्सपोर्ट बटन मिल जाएगी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। ये आपकी गैलरी भी बड़े आसानी से सेव हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट करना, और वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना जरूर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वीडियो एडिटिंग करने में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना फ्रेंड्स, उसकी भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वहाँ पर मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए मेरे वीडियो देखा फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।